हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए, तो ये होगा एशियन गेम्स के ऊपर। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर भी कर लिए हैं, तो एक और टॉपिक जो है वो आज हम करने जा रहे हैं एशियन गेम्स के ऊपर। तो अगर आप इस चैनल की वीडियोस को लाइक करते हैं तो इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो दैट अपकमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन ऑन द एशियन गेम्स। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अन अकेडमी पर अभी तक संदीप सर को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं, वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स है अन अकेडमी के ऊपर। और अगर हम बात करें कैटेगरी की तो डिफेंस एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एफकेट हो, CDS हो, CA PFO, TA एग्ज़ाम हो, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है ये मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो इनके फुल कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ फ्री क्लासेस जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डेली 10 बजे रहती हैं, तो इनको भी अन अकेडमी ऐप के ऊपर आप जो हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ फ्री क्लासेस हैं, और इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो कुछ बैच कोर्सेज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं आप इनके कोर्सेज में देख सकते हैं। बैच कोर्सेज में हर एक, जैसे अगर कोई CDS के लिए इनका बैच कोर्स चल रहा है तो उसमें CDS के हर एक सब्जेक्ट जो है उसके लिए अलग टीचर होगा। जैसे मैथ्स और रीजनिंग आपको संदीप सर करवाएंगे, अदर टीचर्स अदर सब्जेक्ट करवाएंगे, तो एक फुल फ्लेज आपको पैकेज मिल जाएगा। और अगर आप अन अकेडमी प्लस के ऊपर जुड़ना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं करियर स्टडी लाइफ रेफरल कोड, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो देर मत कीजिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CDS आफकेट CA PFO को के लिए तो यही अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो जल्दी से जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए इनका रेफरल कोड यूज़ करने के लिए, और इस सभी चीज़ों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम को एशियाड के नाम से भी जाना जाता था। एशियन गेम्स नेम से ही आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि जो एशियन गेम्स हैं उसमें जितनी भी एशियन कंट्रीज आती हैं वहाँ से अलग अलग एथलीट्स जो हैं वो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ एशियन जो कॉन्टिनेंट है उसमें आने वाली कंट्रीज के एथलीट्स ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके अलावा ये हर 4 साल के बाद जो है ये एशियन गेम्स जो हैं इनके कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करें तो एशियन गेम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में हुई इंडिया में 1951 में। तो इंडिया के लिए गर्व की बात है कि एशियन गेम्स जो हैं फर्स्ट टाइम जो हैं वो इंडिया में हुई इन द ईयर 1951। अगर हम रिकोगनाइज करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड आर डिस्क्राइब्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट आफ्टर द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये सबसे बड़ा, अगर ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और ओलंपिक के बाद अगर कोई सबसे लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट देखें तो वो कौन सा है, एशियन गेम्स। अगर हम बात करें तो एशियन गेम को 9 नेशंस के द्वारा जो है अभी तक होस्ट किया जा चुका है, और इसके अलावा 46 नेशंस जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसमें इजराइल भी इंक्लूडेड है। लेकिन अब जो है 1974 के बाद, सॉरी, इसको जो है अब एक्सक्लूड कर दिया गया है, अब ये एशियन गेम्स का पार्टिसिपेंट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसको इंक्लूड करके अगर देखें तो 46 जो है नेशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको एक्सक्लूड करें तो 45। अगर मोस्ट रीसेंट गेम्स की बात करें तो वो कहाँ पे हुई थी, जकार्ता में, पेलेमबर्ग में, इंडोनेशिया में, 18 अगस्त टू 2 सितंबर 2018 के बीच। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि जो नेक्स्ट गेम्स होंगी वो कहाँ के लिए शेड्यूल्ड है, तो वो शेड्यूल की गई है हैंगजो चाइना के लिए, जो कि 10 to 25 सितंबर 2022 के टाइम में होंगी। ठीक है, इन द ईयर 2022। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर 4 साल के गैप के बाद होती है, तो अगर 2018 में हो गई तो ऑब्वियस है कि अब 2022 में होंगी। सिंस 2010 होस्ट सिटीज मैनेज बोथ द एशियन गेम्स एंड द एशियन
पैरा गेम्स, ठीक है। एक तो एशियन गेम्स होती है, इसके अलावा एशियन पैरा गेम्स भी होती है, जो भी फिजिकल कंडीशंस वाले जितने भी इसमें एथलीट्स आते हैं, तो उनके लिए अलग से जो है ये स्पॉटिंग इवेंट जो है वो करवाया जाता है, जिसमें एशियन कंट्रीज के ही जो डिसेबिलिटी फिजिकल कंडीशन वाले एथलीट्स होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो एशियन गेम का एक मोटो और एक सिंबल होता है। तो एशियन गेम का मोटो क्या है? एवर ऑनवर्ड, जिसको डिजाइन और प्रपोज किया गया है गुरु दत्त सोंधी के द्वारा, ठीक है। और एशियन गेम फेडरेशन जब बना 1949 में, ठीक है, तब इसको जो है एशियन गेम्स के मोटो को डिजाइन और प्रपोज किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुरु दत्त सोंधी जी का नाम। इसके अलावा अगर सिंबल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन गेम्स का जो सिंबल है वो एक ब्राइट सन है, जिसमें 16 रेज जो हैं वो बनाई गई हैं सर्कल के, वाइट सर्कल के ऊपर। मिडल ऑफ इट्स एक डिस्क बनाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर कलर की, ठीक है, जो कि वार्म स्पिरिट ऑफ एशियन पीपल को दर्शाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मास्कट की, तो हर 1982 जब एशियन गेम न्यू दिल्ली में हुए, तो उसके बाद हर एक साल जो है जब भी एशियन गेम्स होती हैं, तो उसमें एक मास्कट ज़रूर होता है। मास्कट बेसिकली होता क्या है, एक नेटिव एनिमल होता है, जहाँ पे होस्ट मतलब की जाएंगी एशियन गेम, जहाँ पे होस्ट की जाएंगी वहाँ पे जो नेटिव एनिमल होगा उसी से रिलेटेड जो है ये एक फिगर, आप कह सकते हैं कार्टून की तरह जो बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 एशियन गेम्स की अगर बात करें, जो कि जकार्ता और पेलमबर्ग में हुई, तो यहाँ पे जो मास्कट बनाया गया उसमें 3 एनिमल्स जो हैं वो इंक्लूडेड थे, जो वहाँ के जो है एरिया के आप नेटिव एनिमल्स कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें तो भीन भीन था, जो कि बर्ड ऑफ पैराडाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो डंबल उठा रहा है। अतुंग डियर था, यहाँ पे आप देख सकते हो फुटबॉल के साथ है। और काका जावन रहीनो रिनोसेरोस था, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इन्होंने जो है कराटे के जो कॉस्ट्यूम है वो पहना हुआ है। तो ये अलग अलग जो है यहाँ पे फिगर्स जो हैं एनिमल्स को ह्यूमन फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम मास्कट कहते हैं। हर एक एशियन गेम का अपना एक अलग मास्कट होता है, और आपको याद किसका करना है, जो कि आपकी एशियन गेम्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट अगर मेडल्स की बात करें तो 56 जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करती है। हिस्ट्री अगर हम देखें इसकी, तो 43 ऐसे नेशंस थे जिन्होंने हर टाइम एक सिंगल मेडल तो जीता ही है, ठीक है। ऐसी 43 नेशंस है जिन्होंने एटलीस्ट एक सिंगल मेडल तो कंपटीशन में जीत ही लिया है एशियन गेम्स में। और अगर हम लीव करें कि किन्होंने नहीं जीता है, वो कौन सी है, भूटान, मालदीव्स एंड तिमोर लेस्ट, तो ये ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने कोई भी अभी तक जो है मेडल नहीं जीता है एशियन गेम्स में। तो यहाँ पे रैंक्स की बात करें तो चाइना सबसे ऊपर है, जिसके पास 3187 और गोल्ड में 1473 जो है मेडल्स हैं। जापान की बात करें तो 3054, साउथ कोरिया की बात करें तो 2235, ईरान की बात करें तो 557 और इंडिया की बात करें तो 672। तो ये जो नंबर पे आता है हमारा इंडिया, ठीक है, तो एशियन गेम्स में हमेशा इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में ज़रूर रहा है। नेक्स्ट अगर होस्ट कंट्रीज़ की बात करें, तो हर ईयर में हर एक स्पॉट मतलब होस्ट कंट्री कहाँ कहाँ पे होस्ट किया जाता है, तो ये आपको रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डाटा है जिसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर 2014 की बात करें तो इंचियोन में हुआ, साउथ कोरिया में होस्ट किया गया। 2018 की बात करें तो जकार्ता पेलमबैंग इंडोनेशिया में इसको होस्ट किया गया एशियन गेम्स को। 2022 की जो अपकमिंग इवेंट है वो कहाँ पे होगा, हेंगजो चाइना में। इसके अलावा 2026 में एची नागोया जापान में किया जाएगा। 2026 में एची नगोया जापान में किया जाएगा। 2030 में दोहा कतर में होगा। 2034 में रियाद सऊदी अरेबिया में किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कि कौन से ईयर में जो इवेंट है वो कहाँ पे करवाया जाएगा।
नेक्स्ट बात करें इंडिया की पोजीशन, तो इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन एशियन गेम्स 1951, क्योंकि शुरुआत ही इंडिया से न्यू दिल्ली से हुई, ठीक है। फर्स्ट होस्टिंग कंट्री जो था वो इंडिया ही था। तो इंडिया की अगर हम देखें तो वन ऑफ द फाइव फाउंडिंग मेंबर्स में से जो है इंडिया एक है जिन्होंने एशियन गेम्स की शुरुआत की थी 1949 में। इंडिया अगर देखें तो न्यू दिल्ली द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको दो बार जो है होस्ट कर चुका है, एक तो 1951 में और इसके अलावा 1982 में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं इंडिया की पोजीशन। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओनली सेवन कंट्रीज जिन्होंने इसमें हर एक एडिशन में जो है कम्पीट किया है, मतलब जितनी भी आज तक एशियन गेम्स हुई हैं तो उसमें ऐसे इंडिया एक मात्र ऐसा सेवन कंट्रीज़ में से एकमात्र ऐसा कंट्री है जिन्होंने हर एक एडिशन में पार्टिसिपेट किया है। और इसके अलावा सिक्स कौन से हैं, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, श्रीलंका, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इंडिया ने हर बार एटलीस्ट वन गोल्ड मेडल तो हर एक एशियन गेम्स में जीता है और हमेशा ये टॉप 10 जो नेशंस हैं मेडल्स में तो इसमें आता है, एक्सेप्ट 1990 की अगर एशियन गेम्स की बात करें तो उसको छोड़ के हर बार जो है इंडिया ने एटलीस्ट एक तो गोल्ड मेडल जीता ही है। यहाँ पे ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है 1951 में न्यू दिल्ली में जो हुई कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर और कितने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो अलग अलग ईयर में इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो आपको दिखाया गया है, ठीक है। अभी रैंक फिफ्थ है, गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते और ब्रॉन्ज कितने जीते, 672 जो है वो टोटल जीत चुका है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं इस सेशन को। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।